देखो, हमारी धरती पर समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और छात्रों के विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है। जैसे मानव को चाहिए कि अन्य जीव को देखते हुए हम सूर्योदय के पहले जग जाएं, सूर्य भगवान के सामने प्रार्थना करें और फिर उस उजाले में, प्रकाश में, लाइट में अपने दिनचर्या को पूरा करें जैसे अन्य प्राणी करते हैं। तदुपरांत सूर्यास्त होने के बाद सारे कार्यकलाप को रोक करके, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो सो NTPC बनाए, पावर बनाए और रात में बिजली जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, लाइट बत्ती के लिए, स्विच के लिए हम उतना खर्च भी करें और सूर्यास्त के बाद काम भी करें। तो मानव को चाहिए कि जैसे सूर्यास्त हो वो संध्या वंदन करके अपना कुछ अल्पाहार लेकर के वो बिस्तर पर चले जाए और अपने जितने भी परिवार के लोग हैं वो सब मिल करके किसी ईश्वर या प्रकृति को मानते हुए उनको ध्यान करें, भजन करें, कीर्तन करें। नहीं कुछ समझ में आए सीताराम करें, ओम नमः शिवाय करें, रघुपति राघव राजा राम कहें, जिससे कि एक शांति सामंजस्य स्थापित हो। अब ये सोचने की बात है कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी हम काम करते रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है, तो जितना भी चीज चल रहा है, जल रहा है, उसमें ऑक्सीजन की खपत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो नेचर ने सूर्य भगवान को बड़का पर्व के रूप में अर्घ देते हैं, तो फिर उनको ध्यान में रखते हुए जब तक वो प्रकाश दिए, फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिला तो सिर्फ दिन में ही मिला, तो जितना कार्य करना है दिन में कर लो और फिर रात में अपना आराम करो। एक सामान्य चिड़िया को देख लो, वह पक्षी कोई बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो नहीं बना रहा, वो घोंसला बना के रहती। और सूर्योदय से पहले जग जाती है पक्षी, उसके बाद सूर्यास्त के समय में हम लोग अनुभव किए कि वो संध्या वंदन करता है, पक्षी सब करती है, जानवर सब करते हैं, और फिर वह आराम करता है, दिन में काम, रात में आराम, और फिर सुबह जग जाता है। क्योंकि रात में भी तुम काम करोगे, चूल्हा चक्की जलाओगे, गाड़ी चलाओगे, जेट प्लेन उड़ाओगे या और भी कोई वैसा काम करोगे जिसमें ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा है, तो फिर ऑक्सीजन तो मिल रहा है दिन में ही, खपत कर रहे हैं दिन प्लस रात दोनों में, तो फिर इसकी संख्या, इसकी मात्रा, इसका अमाउंट, इसका जो भी है प्रेशर, उसका क्या हाल होगा सोच लो, घटेगा कि बढ़ जाएगा। इसीलिए हमारे संत ऋषि मुनि महात्मा, जितने भी पौराणिक लोग हैं जो आज भी हिमालय में हजारों बरस से हमारे गुरुओं के गुरुओं के गुरु महाअवतार बाबा जी श्यामाचरण लहरी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद जी, दशरथ नंदन सीतापति राम भक्त हनुमान जी, ऐसे लोग हैं स्वस्थामा जो अजर अमर है, और उनके प्रचारित प्रसारित शिष्यों से ये परंपरागत है कि आप संध्या वंदन कीजिए, सूर्योदय से पूर्व
सूर्य भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए। यह आध्यात्मिक पहलू के साथ साथ वैज्ञानिक पहलू भी छुपा हुआ है, क्योंकि दिन में जो ऑक्सीजन बना उससे आपने काम किया, गाड़ी चला करके उसमें भी ऑक्सीजन खपत है, खाना बना करके या और भी जितने भी काम हैं, फिर रात हो बंद कर दीजिए तो क्या होगा, दिन में काम रात में आराम, और साथ ही साथ दो घंटा शाम में सोने से पहले और दो घंटा जगने के तुरंत बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप कीर्तन भजन कीजिए। ईश्वर की आराधना प्रार्थना विनम्र विनती निवेदन कीजिए, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। और लोग दिन रात भटक रहे हैं, दिन रात भटक रहे हैं, जा रहा आ रहा जा रहा, कि किसके लिए काम कर रहे हो? अरे सुबह जगा और उसके बाद अपने काम में भिड़ गया, फिर रात में सो गया, घर परिवार से लेकर के और भी जगत कल्याण के लिए कोई चीज सोच नहीं पाए, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? जन्म लिए हो किसके लिए जन्म लिए हो? तो फिर ये बहुत बड़ा विषय है। अगर तुम चाहते हो ज्ञानी बने गुणी बने तो तुमको ये समझना होगा कि हम अपने माता पिता घर के सभी सदस्य साथ ही साथ शिक्षक गुरु के रूप में और जितने भी संत महान पुरुष लोग हुए हैं, जो भी बुजुर्ग हैं अनुभवी, उनका सम्मान करें। प्रकृति को एक ईश्वर के रूप में पूजा करें, तभी तो लोग वृक्ष की पूजा करते हैं, चाहे वो पीपल हो, बरगद हो, अशोक, आम, जितने भी वृक्ष का नाम ले लो, सबकी जरूरत पड़ती है। एक दूब साइनोडॉन डेक्टिलॉन बोटनिकल नेम ऑफ दूब दुबड़ी, कथा अमृत है, उसमें अमृत जो गिरा था तो नीचे रह गया था, 14 रत्न में एक रत्न अमृत भी निकला था। तो कहने का अर्थ है कि इस धरा को लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, मानव जीवन को स्वस्थ समृद्ध बनाने के लिए अन्य प्राणियों के साथ अपने अपने दिनचर्या को भाग दौड़ की जिंदगी में जो कथा 9 बजे तक काम करते हैं, 11 बजे रात तक काम करते हैं, अरे रात तक काम करने से क्या हो जाएगा? तुम काम कर रहे हो थोड़े, तुम तो इस इन्वायरमेंट को गड्ढे में गिरा रहे हो, कहता हम ही काम करवा रहे हैं। अरे तुम क्या काम करवाओगे? काम करवाने वाले तो सूर्य भगवान हैं, उनका आदेश है अदृश्य रूप में, उनकी ध्वनि को लोग नहीं समझ पाते हैं, उनका कहना है जैसे सूर्य पर, ये सूर्य की उपासना पूजा करते हैं छठ पर्व में, तो पहले से अर्घ देने के लिए खड़ा रहता है, तो ठीक कथा सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, तुम आजीवन यह बना लो नियम कि मेरे रोशनी निकलने से पहले जग जाओ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और शांति पाठ करके, जिनको जिनके ऊपर तुमको भरोसा विश्वास है उनके सामने कुछ अपना भजन करके, उनको ध्यान करके, चिंतन मनन करके, और फिर जब तक हम रोशनी दे रहे हैं तब तक तुम काम कर लो, अब बाद बाकी तुम फिर आराम करो, हम भी चाह रहे हैं दूसरे जगह। ऐसा नहीं करेगा तो ऑक्सीजन बनने का समय है दिन में, और दिन में खपत करके फिर रात में भी हम खपत करवाएं और करें तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे प्यारे बच्चों,
देश के कर्णधार, मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि वैज्ञानिक बनने की सोच और राह पे कदम बढ़ाओ। पहले अपनी मानसिकता मन में सोचो, ये अभी न्यूटन के बारे में पढ़ रहा था, इसमें 9th क्लास में न्यूटन के बारे में दिया हुआ। न्यूटन साहब जब जन्म लिए तो वो इतने छोटे थे कि उन्हें लोटे में रखा जा सकता था, चूहा जैसा बन गए थे वो, छोटे जन्म लिए थे जब। पिता गुजर गए, माँ दूसरी शादी की पादरी से, सोचे कि हम बेटा को पादरी बनाएंगे। बेटा का मन था, मीन्स न्यूटन साहब का मन था पुस्तक पढ़ने में। वो उनके पास पैसा नहीं किताब खरीद के पढ़ें, मामा के घर चल जाते थे। जैसे उनको हटिया मार्केट बाजार सब्जी कुछ सामान लाने का मौका मिला, दिया कुछ पैसा दिया, उसमें से बचा करके किताब भी खरीद लेते थे और वहाँ जा करके पढ़ते थे दिन दिन भर। मामा को समझ में आ गया ये तो पढ़ने वाला है, तो फिर वो पढ़ाई का सारा खर्च लिए, एडमिशन कराए और वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में सब दिन के लिए, अगर एक बार तुम बन जाओगे तो आजीवन अनवरत ये रह जाएगा नाम। वो तो बाद में लपलास साहब आए, थोड़ा सा करेक्शन किए। तो कहने का अर्थ है कि तुम लोग मेहनत करो ईमानदारी वफादारी के साथ, दिखाने के लिए नहीं कि माताजी आ रही हैं तो थोड़ा दिखा पढ़ लेते हैं, पिताजी आ रहे हैं थोड़ा दिखा पढ़ लेते हैं, वो धंधा नहीं करो। शिक्षक आ रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा ठीक है पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना। तुम अपने आप से पूछो कि क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। दुनिया में किसी के सामने डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप से डरो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है बहुत पवित्र समय चल रहा है, पावन है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्राकृतिक सारे चीज को जोड़ते हुए अगर मान लो तो हमारे हिंदुस्तान में आर्यावर्त भारत में विश्व गुरु की धरती बिहार भारत में ये जो मौसम है, ये भोलेनाथ महाशिवरात्रि का मौसम चल रहा है। 2-4 दिन के बाद महाशिवरात्रि पर्व है, उनके आदेश से हम कुछ तुम लोग को हम बताया, तो तुम लोग थोड़ा सा अपने में गंभीरता लाओ और 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास का NCERT एक एक लाइन थोरो पढ़ लेगा और तुम अपने आप में वो बना लो कि हमको डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या एक ऐसा रॉकेट बनाएं, या एक ऐसा काम करें जो लोग महीना में चांद पर जाता है, हम पुष्पक विमान की तरह मन की गति से चंद मिनटों में पहुंच जाएं। वो पहले मन में सोचना होगा, सारा सिस्टम पहले मन में सोचना पड़ता है। जब मन में सोच लेते हैं तब क्या होता है कि उसको फिर कागज कलम पे लाते हैं और फिर वो सामने में लिखित प्रकट करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कमी रह गया, फिर औरों से मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं। और कभी भी अपने मुंह से खराब वचन किसी को मत बोलो, क्योंकि बोलने वाले को ज्यादा नुकसान होता है सुनने वाले से। बोलने वाला पहले मन में सोचता है गाली खराब बात, और फिर उसका सेंस ऑर्गेन टंग रिएक्ट करता है,
बक्कल के बेटी माउत पाठ में। अभी जो भी बोला तो पहले वही सुनता है, पहले वही सुनता है। अब बताओ, अगर तुम खराब बात किसी को कह रहे हो तो नुकसान किसको है? बोलने वाले को। नुकसान किसको है धनंजय? बोलने वाले कौन है? जय कृष्ण। किसको है नुकसान खराब चीज बोलने से? बोलने वाले को। तो फिर इसलिए तुम लोग सजग हो जाओ, हमेशा अच्छा वचन बोलो, ठीक है? अच्छा पहले सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा, जो जैसा सोचेगा वैसा ही मुंह से बोलेगा। तो मन में अच्छा चीज सोचो, बोलने का मौका मिले तो अच्छा चीज बोलो, ठीक है? तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, और तुम लोग मेहनत करो, और हम चाहते हैं कि कम से कम ये बैच एक अच्छा रिजल्ट करे, है ना? आने वाले भविष्य में अपने माता पिता का, SKP विद्या विहार का कम से कम नाम रोशन करें। धन्यवाद।